हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, रेकॉन आपको प्रोवाइड कर रहा है इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट 2018 के वीडियो सॉल्यूशन। उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा सॉइल के क्वेश्चन। इट इज़ ए पार्ट वन, तीन पार्ट में ये करेंगे हम लोग, क्योंकि सॉइल का काफ़ी हैवी वेटेज मिला था। अराउंड 17 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 150। सो अच्छा वेटेज था, अराउंड 11% का वेटेज मिल रहा है, 11.35 टू बी प्रिसाइज। तो अच्छा वेटेज था। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है जो लास्ट टू ईयर का पैटर्न बन रहा है दोस्तों इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या गेट, वहाँ पे कैलकुलेशन इज़ प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर रहे हैं, उनको एग्ज़ाम में बहुत परेशानी हो रही है। सो व्हाट आई एडवाइज यू कि आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने की आदत छोड़ दें। जितना जल्दी ये आदत छोड़ेंगे, मैनुअल कैलकुलेशन करिए, थोड़ी टेबल्स याद करिए, क्विक कैलकुलेशन करना सीखिए, दैट बिकमिंग अ की इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एज वेल एज इन द गेट। आपको वहाँ पे जो प्री है इंजीनियरिंग सर्विसेज का या गेट का, वहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट केश्यू यूज़ करते हैं। अगर आप किसी और ब्रांड का भी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो आई एडवाइज़ यू कि आप उसका इस्तेमाल करना कम से कम कर दें, और छोड़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप हमारा जो आलोक शक्ति का इंटरव्यू देखेंगे, जिन्होंने रैंक फोल्ड लाए हैं, रेकॉन के स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी बोला है कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आप सिर्फ अपने वर्चुअल कैलकुलेटर जो लैपटॉप पे होता है उससे तैयारी करिए। मैं उससे एक कदम आगे जाके कह रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल छोड़ दीजिए। आप 6 महीने से पहले कैलकुलेटर का इस्तेमाल बंद कर दीजिए और सिर्फ अपने हाथ से कैलकुलेशन करिए, सो डैट कि आपको कॉन्फिडेंस रहे और कैलकुलेशन मिस्टेक या अप्रोक्सीमेशन में आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, सारे क्वेश्चन रेकॉन के वीडियोस से थे, तो मैं हमारे रेकॉन के वीडियोस की आपको क्लिप सुनाऊंगा जो हम लोगों ने स्टूडेंट को प्रोवाइड की थी, और आप देखेंगे कि एज सच क्वेश्चन आया है। जो वीडियो को ध्यान से सुन के गया है उसको एज सच क्वेश्चन मिलेगा। इसका मैं आपको एक प्रूफ दूंगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन का प्रूफ दूंगा, बाकी क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो लेके देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द रेकॉन वीडियो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर मैं आपको उसका प्रूफ भी दूंगा कि एज इट इज किस तरह से रेकॉन के वीडियो से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पे सेट ए लिया हूँ, उसमें क्वेश्चन नंबर 62 सॉइल का था, फर्स्ट क्वेश्चन सॉइल का। देखिए क्या कहता है, ऑल सॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फील्ड बाय विजुअल इंस्पेक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट इज फाइन ग्रेन सॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फील्ड बाय विजुअल एग्जामिनेशन एंड टच। थर्ड इज फाइन ग्रेन सॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फील्ड बाय डिलेटेंसी टेस्ट। एंड फोर्थ इज बाय विजुअल इंस्पेक्शन ओनली कोर्स ग्रेन सॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड। अब मैं आपको रेकॉन की एक क्लिप सुनाऊंगा जो हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की हुई है, जो लोग इस वीडियो को परचेज कर रहे हैं और घर बैठ के देख रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन एज इट इज रेकॉन के वीडियो से सॉल्व हो जा रहा है। तो चलिए इसको सुनते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कुछ टेस्ट की बात करते हैं। आप फील्ड में गए तो फील्ड में तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी नहीं, ठीक है? तो हम फील्ड टेस्ट की बात करते हैं कि आप फील्ड में अगर आपको जाके कोई पूछ ले कि ये बताओ क्या कैसी सॉइल है, तो आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, विजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। विजुअल ऑब्जर्वेशन में क्या करिए दोस्तों, आप फील्ड में गए हैं, आपसे कोई पूछ ले कि ये सॉइल कैसी है, तो क्या आप उसके सारे पार्टिकल्स देख पा रहे हो क्या? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारे पार्टिकल देख पा रहे हो का मतलब आप 75 माइक्रोन की सीव तो आपकी आंख खुद ही है। इज इट ओके? ये सीव जो है वो आपकी आंखें, हमने क्या पढ़ा था, 75 माइक्रोन तक आप आंखों से विजिबली पार्टिकल्स को देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई सारे पार्टिकल मुझे दिख रहे हैं क्या, या मोस्टली पार्टिकल दिख रहे हैं क्या? अगर मोस्टली पार्टिकल दिख रहे हैं तो ये कोर्स ग्रेन है,
सिंपल सी बात, सैंड या ग्रेवल दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, और अगर आपको सारे पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब क्या हुआ, फाइन ग्रेन है। तो सिंपल सा, आपने अपनी आंखों से सीव एनालिसिस कर ली, ठीक है, आपको अगर पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इजीली सेपरेट कर पा रहे हो आप पार्टिकल्स को, तो कोर्स ग्रेन है, आप बोल दो कोर्स ग्रेन है, दैट सफिशिएंट। सैंड या ग्रेवल है वो आप नहीं बता पाओगे। अगर आपको और बड़े बड़े पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ग्रेवल है। अगर बिल्कुल छोटे ही दिख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं सैंड है। ठीक है, इट्स ओके, आप कोर्स ग्रेन बोल देंगे तब भी आपको ठीक माना जाएगा। अब प्रॉब्लम होती है फाइन ग्रेन में। फाइन ग्रेन में सिल्ट है या क्ले है, मान लो आप एक एक पार्टिकल सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, एक एक पार्टिकल देख नहीं पा रहे हो, इसका मतलब कि या तो सिल्ट है या क्ले है। अब इनको कैसे चेक किया जाए, ठीक है, इसका एक टेस्ट है, आइए मैं आपको वो टेस्ट यहां दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो टेस्ट है, डाइलेटेंसी टेस्ट। तो देखिए, डाइलेटेंसी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हमने थोड़ी सी सॉइल ली, जो यहां पे आपको दिखाई हुई है, ठीक है, और इसमें पानी डाल दिया, वी एडेड वाटर टू मेक इट सैचुरेटेड। ठीक है, हमने इसमें इतना ही पानी डाला कि ये सैचुरेटेड हो जाए, ये आपको यहां दिख रहा होगा फर्स्ट पार्ट। अब आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ एक शाइनी वाटर आ गया है, शाइनी। अब आप क्या करिए, इसको अपनी उंगलियों से चारों तरफ सॉइल को दबा दीजिए, तो आप देखेंगे कि पानी डिसअपियर हो जाएगा, वाटर डिसअपियर। ठीक है, आप देखिए पानी पूरा डिसअपियर हो गया है। ठीक है, सो दिस पार्ट इज नोन एज रिएक्शन। ठीक है, अब आप वापस इसको इस तरीके से बना दीजिए, यानी कि अपनी हथेली में लीजिए और इसको तीन चार बार थपथपाइए इस पार्ट को, तो आप देखेंगे कि वापस पानी आ गया है, वाटर रीअपियर, और बहुत जल्दी पानी आ जाता है, हल्का सा थपथपाएंगे पानी आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्विक रिएक्शन या क्विक। ठीक है, देयर माइट बी केस कि आप इस तरीके से करें और पानी गायब भी ना हो या पानी वापस ही ना आए, ठीक है, देन इट इज नोन एज नो रिएक्शन। और एक बीच में हो गया स्लो, बहुत धीरे पानी जा रहा है, बहुत धीरे पानी वापस आ रहा है, इज इट ओके। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्विक रिएक्शन कौन सी सॉइल देती है, ये देती है सिल्ट। सिल्ट गिव्स यू क्विक रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। और नो रिएक्शन कौन देता है, क्ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप को कोई अगर पूछे कि आप कैसे इंजीनियर हो, मुझे ये बताओ कि ये सॉइल जो पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तो ये सिल्ट है या क्ले है, तो दिस इज द बेस्ट एक्सपेरिमेंट विच यू कैन कंडक्ट। जल्दी से थोड़ा सा पानी लीजिए कहीं से, दो चार बूंदें यहाँ डाल दीजिए, सॉइल सैचुरेटेड हो जाएगी। अगर उसमें शाइनीनेस है, ग्लोनेस है, ठीक है, और वो ग्लोनेस थोड़ी सी उंगलियों से सॉइल को दबाने पे गायब हो जाती है और वापस थोड़ा सा थपथपाने पे आ जाती है, तो वो सॉइल क्या है, सिल्ट। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये क्या है, क्ले। द थर्ड एक्सपेरिमेंट जो आप फील्ड में कर सकते हैं वो टफनेस। और तो देखिए दोस्तों, आपने ये क्लिप सुनी, आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पहली चीज, ऑल सॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फील्ड बाय विजुअल एग्जामिनेशन, गलत हो गया। सेकंड, फाइन ग्रेन सॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फील्ड बाय विजुअल एग्जामिनेशन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि फाइन ग्रेन में दो तरह की सॉइल आ गई दोस्तों, सिल्ट एंड क्ले, दोनों को आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे हैं विजुअल एग्जामिनेशन से। नाउ द थर्ड वन,
फाइन ग्रेन सॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड इन द फील्ड बाय डिलेटेंसी टेस्ट, बिल्कुल सही है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि किस तरीके से सिल्ट क्विक टेस्ट दे देती है जबकि क्ले नो रिएक्शन देती है, तो दिस इज ए राइट स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, बाय विजुअल एग्जामिनेशन ओनली कोर्स ग्रेन सॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड, दिस इज ऑल्सो राइट। सो वॉट इज द राइट आंसर फ्रेंड्स? 3 and 4, सी इज द राइट आंसर। तो देखिए किस तरीके से, अगर आपने रेकॉन के वीडियोज को इन डेप्थ देखा है तो आपको कोई गलती नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो दोस्तों, आई एडवाइज यू, समय बर्बाद मत करिए इधर उधर जाने में, रेकॉन के वीडियोस लीजिए, घर बैठे आराम से इत्मीनान से तैयारी करिए और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। किसी को भी अपना कंट्रोल मत दीजिए दोस्तों। नोबडी कैन गवर्न यू कि अभी ये पढ़ो, इतने बजे से पढ़ो, मैं इसी समय क्लास लगाऊंगा, वो जमाना चला गया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए और अपने हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पावर लीजिए। जो डिजिटल इंडिया हो रहा है उसका फायदा उठाइए। एट ए वेरी नॉमिनल कॉस्ट वी आर प्रोवाइडिंग यू द वीडियोज, जिनको आप डाउनलोड करके इत्मीनान से अपने लैपटॉप में देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए दोस्तों और अपने पेरेंट्स का पैसा बचाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं, जो अगेन सॉइल का था। चलिए ये क्या क्वेश्चन है देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, When a soil sample is dried beyond its shrinkage limit, the volume of the soil slowly decreases. बिल्कुल गलत है दोस्तों, मैं अपने वीडियो में भी बार बार बताता हूँ, इस डायग्राम को आप याद रखिए। This is the diagram. अगर आप देखें तो ये water content है और ये volume है। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि एक water content एक particular level के बाद कितना भी कम हो जाए, वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, और इस पॉइंट को हम कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट के बाद वॉल्यूम कम नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड इज, प्लास्टिक लिमिट इज ऑलवेज लोअर देन द लिक्विड लिमिट फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि प्लास्टिक लिमिट यहाँ कहीं मिलती है आपको और लिक्विड लिमिट यहाँ मिलती है, तो प्लास्टिक लिमिट हमेशा कम होगी, लिक्विड लिमिट हमेशा ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ राइट। तो अब थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान रखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शन पे ध्यान रखें। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये और ये अभी भी राइट है, तो सी और डी में से कोई भी आंसर हो सकता है। सारा वेटेज 3 और 4th ऑप्शन पे। एट द लिक्विड लिमिट द सॉइल बिहेव्स लाइक ए लिक्विड एंड पजेस नो शियर स्ट्रेंथ एट ऑल। बिल्कुल गलत दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने वीडियो में भी आपको बताया हूं कि लिक्विड लिमिट पे सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करती है लेकिन उसमें शियर स्ट्रेंथ होती है, एक मिनिमम वैल्यू होगी लेकिन जरूर होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया दोस्तों, नो शियर स्ट्रेंथ इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग, मिनिमम शियर स्ट्रेंथ होती है लिक्विड लिमिट पे। तो अब आप सीधा कह सकते हैं डी इज द आंसर, फोर्थ स्टेटमेंट चाहे तो ना पढ़ें। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है अपने पढ़ाई पे, वो फोर्थ ऑप्शन पढ़े बगैर भी 2 and 4 राइट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने 1 and 3rd को गलत प्रूव कर दिया है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। When subjected to drying, the volume of the soil remain unchanged once the water content of the soil goes below its shrinkage limit. ये मैंने आपको बता दिया, श्रिंकेज लिमिट के बाद जो है वो वॉल्यूम जो है कांस्टेंट हो जाती है, इसी चीज को यहाँ पे डिफाइन किया है। सो दिस इज ऑल्सो राइट। सो सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट बट फर्स्ट एंड थर्ड इज रॉन्ग। आइए अब रेकॉन का वो वीडियो का पार्ट सुनते हैं जहाँ मैंने आपको क्लियरली बताया है कि लिक्विड लिमिट पे सॉइल की शियर स्ट्रेंथ बेयर मिनिमम होती है। तो मैं अब आपको एक बार हल्के से ब्रीफ कर दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। लिक्विड लिमिट वो है जहां पे शियर स्ट्रेंथ मिनिमम है, ठीक है। कुछ बुक्स में ये वैल्यू 1.7 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर दे रखी है, कुछ बुक्स में 2.7 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर दे रखी है। आई थिंक 1.7 इज ए मोर अप्रोप्रिएट वैल्यू, लेकिन कुछ बुक्स में 2.7 भी आपको दिखती है क्योंकि ये इतनी छोटी वैल्यू है लिक्विड लिमिट की कि आप कहीं पे भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको यही बोलेंगे बेयर मिनिमम, मतलब जस्ट लिक्विड से हम लोग सेमी सॉलिड में एंटर हुए हैं,
तो शीयर स्ट्रेंथ बिल्कुल मिनिमम है, 1.7 कुछ होता ही नहीं है, इट इज जस्ट जीरो, बट जीरो नहीं है। और ये ध्यान रखिए, ये हर सॉइल के लिए फिक्स है, ऐसा नहीं है कि हर सॉइल के लिए बदल जाएगी, ये हर सॉइल के लिए फिक्स वैल्यू है और वो कितनी है 1.7 फॉर ऑल सॉइल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कुछ बुक्स 1.7 वैल्यू देती है किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुछ बुक्स 2.7 देती है, वैल्यू बहुत मुश्किल है इतना मेजर करना, सो आप किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 2 and 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की है उनके लिए सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। ए सैंड सैंपल हैज ए पोरेसिटी ऑफ 30%, यानी कि एन दे दिया है आपको, एंड ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स एज 2.6, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 4.94। यानी कि एन की वैल्यू आपको 30% दे रखी है, 0.3 हो गया, जी एस आपको दे रखा है 2.6 और वाटर कंटेंट दे रखा है 4.94%। इसको परसेंटेज में ही रहने देते हैं क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन का ऑप्शन भी परसेंटेज में, तो एस आर आपसे पूछा गया है परसेंटेज में। फॉर्मूला क्या लगेगा दोस्तों, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस आर। नाउ डब्ल्यू इज गिवन टू यू, जी इज गिवन टू यू, एस आर आपसे पूछा गया है और एन दिया है, तो ई आप निकाल सकते हैं। कैसे, ई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 1 - n, वैल्यू पुट कर दीजिए, सो 0.3 डिवाइडेड बाई 0.7। कैलकुलेशन में आपको फास्ट होना पड़ेगा दोस्तों, तो आंसर ई का आ गया 3/7। नाउ पुट द वैल्यू हियर, सो 3/7 इंटू एस आर, W की वैल्यू 2.6 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाई 4.94, परसेंटेज में रहने दीजिए क्योंकि SR की वैल्यू भी आपसे परसेंटेज में पूछी गई है, तो यूनिट मैच कर जाएगी, आपको अननेसेसरीली बाद में यूनिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी परसेंटेज में लाने के लिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इट विल बी कम अराउंड अप्रोक्सली 30%। कैलकुलेशन का खेल था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, हर कोई ये फॉर्मूला याद रखता है, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस आर। उसी क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट विल बी द यूनिट वेट ऑफ ए फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैविंग वाटर कंटेंट ऑफ 38% एंड ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65। यानी कि जी की वैल्यू आपको, जी एस की वैल्यू 2.65 दे रखी है, डब्ल्यू की वैल्यू 38% दे रखी है, और कह रखा है कि सॉइल फुली सैचुरेटेड है, इसका मतलब एस आर की वैल्यू 1 हो गई। अब आप यूनिट पे ध्यान दीजिए, ऑलवेज जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो चारों ऑप्शन देख लीजिए कि किस तरीके आंसर दे रखे। यूनिट है किलो न्यूटन मीटर क्यूब की, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, रो ऑफ सॉइल इज इक्वल टू जी 1+W इंटू रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1+E। अब आप देखिए, रो ऑफ वाटर का वैल्यू आप 9.81 या अप्रोक्सली 10 ले रख सकते हैं किलो न्यूटन मीटर क्यूब में, W की वैल्यू आपको 38% दे रखी है यानी कि 0.38 हो गया, G की वैल्यू आपको 2.65 दे रखी है। नाउ E की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, A की फॉर्मूला चल रहा है डब्ल्यू जी इक्वल टू ई एस आर, एस आर की वैल्यू 1 है, W की वैल्यू आपको 0.38 दे रखी है, G की वैल्यू 2.65 दे रखी है, तो E ओवरऑल कितना हो गया दोस्तों, इट इज इक्वल टू 0.38 मल्टीप्लाई बाई 2.65। अगेन कैलकुलेशन का खेल है, आपको जितनी तेजी से ये कैलकुलेशन करेंगे ये क्वेश्चन उतनी तेजी से सॉल्व हो जाएगा। नाउ अगर आप इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं, देन आंसर विल बी 17.88 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। इसमें आप एक अप्रोक्सीमेशन कर सकते थे टू सेव सम टाइम, थोड़ी सी रिस्क जरूर रहती लेकिन आप थोड़ा टाइम बचा सकते थे, आप इस 0.38 को 0.4 ले लेंगे तब भी ज़्यादा एरर नहीं आएगी और आपका आंसर 17.88 के नज़दीक ही आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा कि किस समय अप्रोक्सीमेशन करना है या किस समय अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, आप 0.48 का अप्रोक्सीमेशन करके भी 17.88 के पास आंसर ला सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सिंपल थे लेकिन थोड़े से लेंदी हो गए हैं क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। मैं आपको अगेन बोलूँगा, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का साथ छोड़ दीजिए और सिर्फ अपने
हाथ से कैलकुलेशन करके आंसर लाने की कोशिश करिए। ये आपको गेट में भी हेल्प करेगा और इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में भी हेल्प करेगा। विद दैट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। कीप इंजॉइंग योर इंजीनियरिंग एंड हैव लॉट्स ऑफ फन इन योर लाइफ।